जहां पूरे भारत में एक तरफ अल्ट्रासाउंड मशीन को बैन किया गया है, वहीं कई लोग अपने निजी मुनाफे के कारण यह मशीन बाहर ले जो कि गर्भ निर्धारण टेस्ट करते हैं व मुंह में के पैसे भी वसूल करते हैं। ऐसा ही एक वाकया लुधियाना के पखोवाल रोड स्थित गांव दाद में हुआ, जहां एक व्यक्ति के द्वारा पिछले 1.5 साल से गए घर में नजायज तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा चेकअप किए जाने का काम जारी था। जब इसकी भनक हेल्थ विभाग की टीम को लगी, उससे पहले ही आरोपी द्वार फांद कर भागने में सफल हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कोई कर्मचारी भी मौजूद हो सकता है। पोर्टेबल अनरजिस्टर्ड मशीन जिहड़ी है इस घर दे विचों रिकवर हुई है, जिस घर का मालिक भुपिंदर सिंह है, और उहदे नाल नाल सानू कुछ गाउन ते होर मटीरियल रिकवर होया। इत्थों हुण इस टाइम मौके तो भज गया और नहीं काबू कर सकिया, लेकिन असीं मशीन सील कर लिती है ते जिहड़ी बनदी कारवाई है असीं पुलिस की मदद दे नाल। कुछ सीकरट इनफॉर्मेशन मिलियां इन्हां दे बारे च, ते पता लग्गिया भी ये भी पोर्टेबल मशीन जिहड़ी है जगह जगह ते लिजा के टैसट करते, इन ऑपरेट करते। यह PDNT एक्ट के 420 के तहत FIR उस FIR के मशीन कवर की जोड़े पहले लोग जो दो असी नामजद किए हैं सुराज मुहम्मद तो मनमोहन शर्मा। मनमोहन शर्मा ऑपरेट कर जानता है, सुराज मुहम्मद जोड़ा साथी है, इन्होंने पहले भी शिमला पुलिस FIR हो चुकी। जागृति लहर के लुधियाना से सुंदर रोड़ा की रिपोर्ट।